एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। पंडिता रामाबाई के पॉलिटिकल आइडियाज़ समझने से पहले हम पहले उनके लाइफ स्केच यानी जीवन काल के बारे में जानेंगे। मैं इनका लाइफ स्केच थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यूजीसी नेट पिछले एग्जाम्स में इंडियन थिंकर्स की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है। सो आप रामाबाई के सारे लाइफ इवेंट्स को ध्यान से सुनना। पंडिता रामाबाई 1858 में एक लिबरल ब्राह्मण पंडित के घर पैदा होते हैं। ब्राह्मण पंडित यानी हाई कास्ट में पैदा होते हैं और ऊपर से उनके जो फादर है वो लिबरल है। इसका मतलब ये है कि पंडिता रामाबाई को दो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेंगी, लैक ऑफ एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज। उनके फादर जो है वो खुद संस्कृत के स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी वाइफ को भी संस्कृत टीच की और तब उस टाइम पर संस्कृत टीच कर रहे हैं जब कोई भी औरतों को पढ़ाकर खुश नहीं था, वो एजुकेशन के अगेंस्ट थे औरतों के। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, मटेरियल कंडीशन कुछ ऐसी थी फैमिली की कि उनके पेरेंट्स की और उनके सिस्टर की डेथ हो जाती है और पंडिता रामाबाई अपने ब्रदर के साथ 1878 में कलकत्ता मूव कर लेती है। तो ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनता है क्योंकि कलकत्ता में वो कई स्कॉलर को मिलते हैं जहां वो अपनी स्क्रिप्चर की या संस्कृत की नॉलेज को शेयर करते हैं, ग्रंथों की, वेदों की नॉलेज को शेयर करते हैं। इससे वहां के स्कॉलर्स जो है वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और इतने इम्प्रेस होते हैं कि उन्हें एक पदवी का खिताब देते हैं, पंडिता और सरस्वती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको लेकर यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आ रखा है जून 2019 में कि पंडिता रामाबाई को पंडिता टाइटल क्यों दिया गया। अब आपने समझ लिया है तो इसलिए आप इसका आंसर जरूर देना। सोशल रिफॉर्म्स की वजह से, सेकंड इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन की वजह से, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट की वजह से यानी कास्ट को ख़त्म करने की वजह से, या फिर बीइंग ए संस्कृत स्कॉलर की वजह से। तो इसका राइट आंसर है आंसर फोर, यानी वो एक संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत की जानकारी थी, इसलिए उन्हें पंडिता का खिताब दिया गया, पंडिता का टाइटल दिया गया। कलकत्ता में वो केशव चंद्र सेन से मिलते हैं जो ब्रह्मोस पांच के सपोर्टर होते हैं और वो रामाबाई को सजेस्ट करते हैं कि वो वेदास और उपनिषद्स को और भी गहराई में पढ़ें। कुछ ही चिर बाद उनके भाई की 1880 में डेथ हो जाती है। इसके बाद रामाबाई जो है एक शूद्र जाति के इंसान के साथ जिनका नाम है बेपिन बिहारी मैदावी के साथ शादी कर लेती हैं। वो कास्ट रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करते हुए ये सब करती हैं और वो जिससे शादी करते हैं वो खुद भी ब्रह्मो समाज के एक एक्टिव मेंबर होते हैं। दो साल होते हैं अभी शादी को कि उनके हस्बैंड की मौत हो जाती है और हस्बैंड की डेथ के बाद वो कलकत्ता से पुणे वापस आ जाती है और वहाँ पर 1882 में आर्या महिला समाज का एक इंस्टीट्यूशन ओपन करती है जो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। और यहीं पर वो एक बुक लिखती है, अपनी फर्स्ट बुक, जिसका नाम है स्त्री धर्म नीति मॉरल्स फॉर वुमेन, जो 1882 में पब्लिश होती है। वो एक विडो इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा आश्रम जो विधवा औरतों को सहारा दे। तो उसके लिए वो फंड इकट्ठा करने की सोचती हैं लेकिन इंडिया में उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती, इसके लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि हालात ही कुछ ऐसे होते हैं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो ईसाई धर्म को अपना लेती है और अपना नाम चेंज करके मैरी रामा रख लेती है। और इंग्लैंड में ही एक और टेक्स्ट लिखती हैं जो मराठी में ओरिजिनली पब्लिश होता है और इंग्लिश में उसका टाइटल है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन। इंग्लैंड में तीन साल रहने के बाद वो 1886 में अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका जाकर जो विडो इंस्टीट्यूशन के लिए फ़ंड रेज करते हैं उस फंड का नाम रखते हैं द रामाबाई एसोसिएशन ऑफ बोस्टन। और यहीं पर अपनी वो तीसरी किताब भी लिखते हैं 1887 में, जिसका नाम है द हाई कास्ट हिंदू विमेन, जिसे इंडिया का फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। ये किताब उनकी जो है वो काफ़ी चर्चा में रहती है, काफ़ी फेमस है, ये आप नोट कर लेना। इन्हीं सालों में वो एक और मराठी बुक को पब्लिश करती है जिसका नाम है मराठी में यूनाइटेड स्टेट्सची लोकस्तेही अनि पार्वसरिता, जिसका इंग्लिश में मीनिंग बनता है द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 1889 में पब्लिश होती है। जब वो फंड रेज कर लेते हैं तो फिर बाद में 1889 इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ आके औरतों की भलाई के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इंडिया वापस आकर वो एक हाई कास्ट विडो के लिए स्कूल भी खोलती है
जिसका नाम वो शारदा सदन लगती है जो बॉम्बे में खोलती हैं, और अपनी सोशल रिफॉर्म की एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें 1919 में केसरे हिंद का गोल्ड मेडल देती है। तो आपने ये भी याद रखना है कि कौन से इंडियन थिंकर को कौन सा किताब कब मिला, जैसे कि पिछली बार उन्होंने जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये थे रामाबाई के लाइफ के इवेंट्स, बहुत इसमें फैक्ट्स आए हैं, आपने ध्यान से इन्हें याद रखना है क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम समझते हैं उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में। पहले समझते हैं हम उनके पैट्रियार्की के क्रिटिक को लेकर। इंडिया में जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी तो उनका दो इशू पर मेन फोकस था, एक कास्ट और जेंडर को लेकर। और जो जेंडर इशू था वो अपर कास्ट को लेकर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि अपर कास्ट की जो वुमेन थी वो ज़्यादा ओप्रेस्ड थी, हालांकि जो लोअर क्लास की वुमेन थी उन्हें फिर भी इंडिपेंडेंट रोल देखने को मिलता है, लेकिन जो अपर कास्ट की वुमेन है वो ज़्यादा सप्रेस्ड थी। तो पूना में रामाबाई ने जेंडर रिफॉर्म पर ज़्यादा फोकस किया है। ये अगर क्वेश्चन आता है कि पंडिता रामाबाई ने कास्ट रिफॉर्म पर फोकस किया है या जेंडर रिफॉर्म पर, तो उन्होंने जेंडर रिफॉर्म पर ज़्यादा फोकस किया है। उनके सारे पॉलिटिकल आइडियाज, सारे लाइफ के इवेंट्स जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर फोकस है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर उनका काम काफ़ी कम है। रामाबाई ने इंडिया के जो एशियन लिटरेचर है उनकी टीचिंग्स को क्रिटिसाइज़ किया है, ये कहकर कि वो विमेन को इन्फीरियर स्टेटस देते हैं, उन्हें इक्वालिटी का दर्जा नहीं देते हैं। रामाबाई ने यह भी कहा है कि जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी है, जो मर्द प्रधान समाज है, उसमें वुमेन को सिर्फ चार दीवारी में रखा जाता है एज ए वाइफ, मदर या हाउस वाइफ, और उनके जो सोशल रोल्स भी है वो कहीं ना कहीं उनके जेंडर के साथ, उनकी रिप्रोडक्शन के साथ, जहाँ घर संभालने तक जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ अगर वुमेन को कोई हाईएस्ट स्टेटस भी दिया जाता है, जो सबसे बड़ा खिताब दिया जाता है, वो दिया जाता है सौभाग्यवती होने का, मतलब एक ऐसी वुमेन जिसका हस्बैंड जो है अभी अलाइव है, और उसी वुमेन को रिस्पेक्ट मिलती है जिसके घर में बेटा है, ना कि बेटी है। तो रामाबाई कहते हैं कि एक औरत जिसकी बेटी है या एक ऐसी औरत जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, उसे सोसाइटी में लोअर स्टेटस दिया जाता है, और वो ऐसी वुमेन जो है हमेशा ये डर में रहती है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला जाएगा। और इससे भी ज़्यादा बदतर हालत थी एक विडो की, एक विधवा की, खास करके उस विधवा की जिसकी संतान तो है लेकिन उसका पति मर चुका है। और यही नहीं, विधवा को एक प्लेन सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ती थी, वो जवाहरात नहीं पहन सकती थी, और उसे सर मंडवा कर रखना पड़ता था, और साथ ही उसे ज़मीन पर सोना पड़ता था, रिचुअल में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, और खाना कम खाने की हदायत दी जाती थी। तो रामाबाई संस्कृत की स्कॉलर थी, उन्होंने उपनिषद, मनुस्मृति और वेदास पढ़ रखे थे, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो हिंदू शास्त्र रहे हैं इन्होंने ऐसे कस्टम्स को तैयार किया है, ऐसी सोसाइटी को तैयार किया है जिसमें पैट्रियार्की सिर्फ जीवित ही नहीं है बल्कि वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट उनकी आइडिया है जेंडर जस्टिस और सिविल राइट्स को लेकर। औरतों की कंडीशन को ठीक करने के लिए जो सबसे बड़ा सुझाव दिया जाता था वो था कि एजुकेशन, कि उन्हें पढ़ा दिया जाए, उन्हें शिक्षा दे दी जाए, और उनकी जो सारी मुश्किलें हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पंडिता रामाबाई भी यही बिलीव करती थी कि अगर वुमेन को एजुकेशन दी जाएगी वो ब्राह्मणिज्म को ख़त्म करेगी और अपने धार्मिक ग्रंथों को सही तरीके से समझ सकेंगी जिन्होंने उन्हें इन्फीरियर स्टेटस दे रखा है। रामाबाई बिल्कुल एक इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट समझती थी कि वुमेन को अगर एजुकेट किया जाए तो इसका विद्रोह कितना जो है वुमेन को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए, और अगर कोई वुमेन तैयार भी हो जाती थी एजुकेशन को लेने के लिए, तो इसके लिए स्कूल ही बहुत कम थे, ज़्यादा जो स्कूल थे वो सारे मिशनरी यानी क्रिश्चियन मिशनरीज ने खोल रखे थे। तो हाई कास्ट की वुमेन जिनके लिए वो काम कर रही हैं पंडिता रामाबाई, ये औरतें कहती थी कि ऐसे स्कूल से जाने से बेहतर वो मरना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसे स्कूल में जाकर उन्हें लगता था कि उनकी जात जो है, उनका धर्म जो है, वो ख़त्म हो सकता है या खतरे में पड़ सकता है। रामाबाई ने इंडियन वुमेन को एजुकेट करने के लिए एजुकेशन कमीशन के पास डिमांड करते हैं, दरख्वास्त रखते हैं। ये एजुकेशन कमीशन ब्रिटिशर के टाइम 1882 में इस्टेब्लिश होता है, इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। और यही नहीं, वो ये भी डिमांड करती है गवर्नमेंट से कि औरतों को जो है मेडिकल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो औरतें जो मेल फिजिशियन के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती, वो लेडी डॉक्टर को खुलकर शेयर कर पाएंगी।
और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब बॉम्बे में 1889 में फर्स्ट मीटिंग होती है, उसी मीटिंग में जेंडर जस्टिस और सिविल राइट्स के इशू को वो उठाती है। और सबसे ज़्यादा इशू जो फोकस करती है वो ये है कि अगर विडो वुमेन दोबारा शादी कर लेती है, उसकी रीमैरिज हो जाती है, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया जाता है, उसे जो है अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो पंडिता रामाबाई ये इशू रेज करती है कि ऐसे जो प्रॉपर्टी राइट है विडो वुमेन के लिए प्रोटेक्ट होने चाहिए, ना कि उनके ये राइट छीनने चाहिए। अब हम जानते हैं उनकी लाइफ के साथ जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी है, एक ऐसा विवाद जो उनकी छवि पर सवाल खड़े करता है। जैसा कि मैंने बताया, वो अमेरिका जाती है विडो इंस्टीट्यूशन के फंड को रेज करने के लिए, और वहाँ से आकर विडो के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल ओपन करती है जिसे शारदा सदन कहते हैं। और इस स्कूल को, इस होम को काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, वो भी उनसे जो खुद समाज सुधारक है, क्यों मैं आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पर एक तो समाज सुधारक भी अगेंस्ट है, और पूरी इंडिया की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी इस हाउस के किसी तरह से अगेंस्ट हो रही है। वो कहते हैं कि जो अमेरिका के क्रिश्चियन कम्युनिटी ने फंड दिए हैं पंडिता रामाबाई को विडो इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा, वो रिलीजियस न्यूट्रल रह रहा है, जबकि वो चाहते हैं कि हिंदू औरतों की कन्वर्जन कराई जाए ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में। तो ये होने भी लगता है, हिंदू औरतों की कन्वर्जन जो है लार्ज नंबर में होने लगती है ईसाई धर्म में, हिंदू जो विडो है वो बाइबल रीड करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से जो रामाबाई को है काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, और यहाँ तक कि जो सोशल रिफॉर्मर्स है, समाज सुधारक, वो भी अपने आप को पंडिता रामाबाई से दूर कर लेते हैं। और प्रेस जो है इस सदन को विडो मिशन हाउस कहने लगती है, मतलब एक ऐसा मिशन हाउस जो क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड कर रहा है, जो हिंदू औरतों की ईसाई धर्म में कन्वर्जन करा रहा है। इसी के बीच में रामाबाई जो है अपने श्रद्धा सदन को पुणे से शिफ्ट करके कैदगांव ले आते हैं, और आज भी वहां पर ये एग्जिस्ट करता है इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसका नाम आज पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन से जाना जाता है। अगर आज भी वो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में औरतों की जो कंडीशन है अभी भी कुछ खास बेहतर नहीं हुई है। इससे पहले कि आप वीडियो को छोड़कर जाएं, आप ये बात जरूर ध्यान में रखना कि पंडिता रामाबाई के जो मेन टेक्स्ट है, वो पहला टेक्स्ट ये है, स्त्री धर्म नीति मॉरल्स ऑफ वुमेन 1882 में पब्लिश होता है। सेकंड, क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, इसकी डेट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि स्त्री धर्म नीति के बाद ही लिखा गया टेक्स्ट है। नेक्स्ट है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में पब्लिश होता है। एक टेस्ट जो मैंने नहीं लिखा है वो है द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट 1889 में पब्लिश होता है। तो ये चार उनके मेन वर्क से आपने चारों ध्यान रखने हैं, और क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही इनको याद रखना है। अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे रखा है। धन्यवाद।